हेलो एवरीवन, कैसे हो? मेरा नाम प्रियांशु गुप्ता है। सो वेलकम टू प्रियांशु वीलॉग्स। तो आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो लोग बहुत फंस जाते हैं इस चीज़ में, उसका नाम है कार्डिंग। सबसे पहले मैं आपको कार्डिंग बताता हूँ होता क्या है। कार्डिंग बना है दो वर्ब से, दो चीज़ों से। दो, एक कार्डर होता है, एक होती है कार्डिंग। कार्डर क्या होता है? वो कार्डर एक पर्सन होता है जो किसी की बैंक डिटेल, जिसकी एटीएम कार्ड की डिटेल्स चुरा कर वो कार्ड की डिटेल्स को अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे यूज़ करता है, उसे कहते हैं कार्डर, और उस प्रोसेस को कहते हैं कार्डिंग। तो बहुत लोग इसी चक्कर में फंस जाते हैं। इंस्टाग्राम पे फेक पेजेस बने हैं कि मैं कार्डिंग जानता हूँ और आप कार्डिंग के थ्रू पैसे, मतलब बहुत कम दाम में बड़े बड़े चीज़ें, जैसे आईफोन एक्स हो गया, आईफोन 7 हो गया, वो 10 to 20,000 में इजीली ब्रांड न्यू मिल जाएगा आपको, और वो फेक इमेजेस डाल देते हैं। सो गाइस, इसके बारे में आपको थोड़ी मैं और इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ कि जैसे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। इसका डिसएडवांटेज तो बहुत ज़्यादा है। एडवांटेज ये बता देता हूँ आपको, थोड़ा वो लगेगा कि हाँ एडवांटेज तो बहुत ज़्यादा है, कि मान लो आपने 50,000 का कोई DSLR है, वो आपको मिल जाएगा 10 से 15,000 का, ठीक है। और सेकंड ये है कि आप आराम से अफोर्ड कर सकते हो महंगी महंगी चीज़ें, पर लेकिन इससे ध्यान से सुनिएगा, कार्डिंग के जो पेजेस होते हैं इंस्टाग्राम पे, मैंने मोस्टली बहुत लोगों से बात की है और मैं कई एक बार रिप्ड भी हो चुका हूँ। 3,000 rupees मेरे लॉस्ट हो चुके हैं। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी, वो मैंने अपने दूसरे चैनल जिम लवर्स में अपलोड की है, ठीक है, मेरे 3,000 कैसे चले गए हैं। तो गैस होता क्या है कि ये लोग पहले आपको बहलाते हैं, फुसलाते हैं कि आप मुझे 2 to 3,000 एडवांस दे दो, बाकी पेमेंट COD कैश ऑन डिलीवरी के बाद, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन ये होती है, वो एडवांस मांगते हैं और आप एडवांस दे भी देते हो, और वो जो इमेज बताते हैं कि आपका शिपमेंट हो गया, ऑर्डर शिफ्ट हो गया, तो उससे क्या होता है, वो फेक होती है इमेज, ठीक है, वो जनरेट हो जाती है अमेज़ॉन से। अमेज़ॉन से जनरेट कैसे हो जाती है, आपने पेमेंट कर दी, फिर आपने कैंसिल कर दी पेमेंट, तो वो शिफ्ट की स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कैंसिल का स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे, ठीक है। सेकंड क्या होता है, सेकंड कंडीशन में एक तो ये होगा कि पहले पैसे मांग लिए, सेकंड कंडीशन में होगा कि हाँ हम आपको COD कैश ऑन डिलीवरी कर देंगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। मान लो आपको बाय चांस लकीली आपके पास प्रोडक्ट पहुँच गया, आईफोन पहुँच गया, कोई भी प्रोडक्ट आपके पास पहुँच गया, मान लो मुझे पहुँच गया, ठीक है, मैं बहुत खुश होऊंगा, मैं उस कैश ऑन डिलीवरी उतने पैसे उसे दे दूंगा, उतने रुपीस दे दूंगा, ठीक है, ये उस डिलीवरी बॉय को नहीं दूंगा, मैं उसको ट्रांसफ़र कर दूंगा कार्डिंग वाले को। बट क्या होगा, कुछ दिनों बाद आपके घर पुलिस भी आ सकती है। क्यों? क्योंकि जैसे मेरा कोई कार्ड गुमा है, मेरी डिटेल्स चुराई गई हैं, सबसे पहले मैं अपने कार्ड को ब्लॉक करने की कोशिश करूंगा आफ्टर जो पेमेंट कट जाती है, ठीक है। सेकंड मैं जाऊंगा पुलिस स्टेशन और कंप्लेंट करूंगा अमेज़ॉन से, इस मतलब ये ट्रांजैक्शन आईडी है, इस लोकेशन आईपी एड्रेस से मेरा चोरी हुआ है। चलो आईपी एड्रेस चेंज कर लेते हैं कार्डिंग वाले, ठीक है, मैं मानता हूँ आईपी एड्रेस चेंज हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, आईपी एड्रेस चेंज हो गया, बट जो पुलिस वाले हैं वो डिलीवरी बॉय को कांटेक्ट करेंगे और डिलीवरी बॉय बताएगा, उस लोकेशन की जानकारी बताएगा कि उस लोकेशन पे उसने डिलीवरी की थी इस प्रोडक्ट की इस टाइम पे और इस बंदे को, और वो डिलीवरी बॉय से स्केच बनवा लेगा। फिर आप कहाँ बचोगे, ठीक है, आपको जेल भी हो सकती है और आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है और नाम अलग से ख़राब होगा। सो गाइस, मेरी ये एडवाइस है कि कार्डिंग होती नहीं है, जिनसे होती है मैंने उसका केस भी बता दिया। मान लो आपने एक प्रोडक्ट मंगाया, दूसरा प्रोडक्ट मंगाया, तीसरा प्रोडक्ट मंगाया, चौथा प्रोडक्ट मंगाया और आप आगे भेजी जा रहे हो, बट भगवान ना करे आपके घर पुलिस आ जाएगी और आपको जेल होगी, तो कैसा लगेगा? आप चंद पैसों के लिए, 40-50 हज़ार रुपये के लिए आप 1 साल 2 साल जेल में रहना पसंद करोगे? वो आपकी ही मतलब डिसीज़न है, आपका डिसीज़न है, आप चाहे जेल में रहो या आप इंडिपेंडेंट पैसे कमाओ, यूट्यूबर बनो, कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढो और प्राउडली आप कोई चीज़ बाय करो, ये आप पे डिपेंड है। सो गाइस, मेरी यही एडवाइस रहेगी कि आप कार्डिंग करना, मतलब कार्डिंग जैसे कोई बंदा कहता है उसे बिलीव ना करिए और अपने पैसे सेफ रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने पैसे को यूज़ कर सकते हो, आप जो मर्जी कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हो, जो मर्जी करो पैसों का, बट कभी वेस्ट ना करो कार्डिंग ऐसी चीज़ों, फ्रॉड चीज़ों में, क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिट नहीं होगा और बहुत ही ज़्यादा आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। सो गाइस, मेरी यही एडवाइस रहेगी कि आप कार्डिंग ना करो, ठीक है, और ना ही करवाओ, ये इलीगल है, ठीक है,
किसी के अकाउंट, किसी का क्रेडिट कार्ड यूज़ करके, उसकी अकाउंट इन्फॉर्मेशन यूज़ करके बाय करना, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इलीगल काम है। सो गैस, अगर आपको ये वीडियो अवेयरनेस के लिए अच्छी लगती है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, और टेक्नो बॉय अमन को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, उसका यूट्यूब चैनल है, उनका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। थैंक यू सो मच गैस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।